हाय गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक ज्ञान पे। तो आज के वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं दो मोबाइल, यहाँ पे देख सकते हो वीवो Y71 5G के साथ ही आपको देखने को मिलेगा ओप्पो F21 Pro। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पे देखने वाले और कंपेरिजन करने वाले कि भाई कौन सा मोबाइल आपको लेना चाहिए। यहाँ पे 21,000 नियरली आपकी अगर बजट है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो वीवो Y75 है, यहाँ पे आपको 5G मोबाइल देखने को मिलेगा। 21,990 इसकी प्राइस रहने वाली है। लेकिन ओप्पो F21 Pro आप लोग देख सकते हो, इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा 22,990 आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिलेगी। उसी के साथ हम लोग यहां पे जो प्रोसेसर और रैम की बात करें तो यहां पे आपको मिल जाता है ओप्पो F21 Pro, जो आप लोग देख सकते हो 64 बिट के साथ ओक्टा कोर यहां पे 2.4 Hz के साथ आपको मिल जाते हैं यहां पे। बट जो यहां पे वीवो Y75 है वो आपको देखने को मिलेगा 64 बिट के साथ ओक्टा कोर 2.2 Hz के साथ मिल जाता है। लेकिन इस प्रोसेसर और रैम की बात करें तो 8GB यहां पे दोनों के अंदर ही रैम मिलने वाली है। और यहाँ पे F21 Pro की बात करें तो क्वांटम आपको स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिल जाएगा इस मोबाइल के अंदर। लेकिन मीडिया टेक डायमंडसिटी 700 आपको देखने को मिलेगा वीवो के अंदर। तो दोनों ही बहुत ही गजब के यहाँ पे रैम तो भाई दोनों की इक्वली है, 8GB रैम। और कैमरे की बात करें तो यहाँ पे दोनों के अंदर ही आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग देख सकते हो। ओप्पो F21 Pro की बात करें सबसे पहले हम लोग, तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल के साथ 2+2 मेगापिक्सल मिल जाता है और LED फ्लैश लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग वीवो Y75 5G की बात करें तो भाई यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा मिलेगा, 2+2 यहाँ पे डुअल LED लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। सिंगल सेल्फी आपको कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। तो भाई कैमरा की बात करें तो ओप्पो F21 जो आप लोग देख रहे हो 21F ही बढ़िया कैमरा क्वालिटी के साथ ही आपको मेगापिक्सल वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो डिस्प्ले के मामले में ये बहुत बढ़िया है और वीवो Y75 और यहाँ पे डिस्प्ले आप लोग दिखाऊँ तो मैं गोरिल्ला ग्लास आपको मिल जाता है इसके अंदर, जो यहाँ पे F21 Pro है इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बैटरी की बात करें तो इस मोबाइल के अंदर F21 Pro के अंदर आपको बैटरी मिल जाएगी जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो वो है भाई 4500 mAh की, आई थिंक सो। मैं दिखा देता हूँ आपको कितनी रहेगी। तो यहाँ पे जो देख सकते हो 45 mAh आपको मिल जाती है ओप्पो F21 Pro के अंदर। बट जो वीवो Y75 है इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी भाई। तो बैटरी के मामले में आपको वीवो Y75 इसके अंदर ज़्यादा बैटरी का बैकअप मिलेगा, ये बहुत बेस्ट है जो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे ओप्पो F21 Pro की बात करें तो इस मोबाइल के अंदर 33 वोल्ट यहाँ पे चार्जर देखने को मिलेगा, बट वीवो के अंदर आपको 18 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा। भाई दोनों ही फास्ट है बट यहाँ पे चार्जर के मामले में भी ओप्पो बेस्ट मोबाइल आपको देखने को मिल जाता है। दोनों के अंदर ही सी टाइप रहने वाला है। तो चलो भाई और भी देख लेते हैं और भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलने वाला है ओप्पो के अंदर जो वर्जन 12 आपको एंड्रॉइड का देखने को मिलेगा, बट जो वीवो है उसके अंदर आपको मिलेगा वर्जन 11 आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी भाई बहुत ही बढ़िया है, दोनों के दोनों अंदर 2G 3G 4G और 5G दोनों के अंदर ही अवेलेबल है। तो आप लोग दोनों ही नेटवर्क के मामले में दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। तो चलो गाइस आगे और भी देखें तो भाई स्क्रीन साइज़ आपकी बात करूँ तो 6.43 की इंच आपको ओप्पो F21 Pro में देखने को मिलेगी और वीवो के अंदर आपको 6.58 की। तो भाई स्क्रीन लगभग दोनों की सेम ही है बट यहाँ पे वीवो के अंदर थोड़ी स्क्रीन आपको बड़ी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। और स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करूँ तो 1080x2400 पिक्सल आपको देखने को मिलेंगे, दोनों के अंदर सेम ही है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। तो चलो गाइस यहाँ पे हमने कम्प्लीटली मोस्टली रिव्यू कर दिया है। तो वेट भी भाई यहाँ पे बता देता हूँ, वेट के मामले में आपको वीवो है जो थोड़ा बहुत लाइट मिलेगा आपको, जो देख सकते हो वीवो थोड़ा हैवी मिलेगा और ओप्पो आपको थोड़ा लाइट वेट मिलेगा। थोड़ा वेट के मामले में यहाँ पे 175 ग्राम आपको मिल जाता है ओप्पो का वेट और 187 आपको मिल जाएगा वीवो का वेट। तो दोनों ही भाई बहुत ही बढ़िया, वेट के मामले में आपको ओप्पो भी थोड़ा सस्ता मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। तो चलो गाइस यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश कर देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोनों के अंदर मोस्ट मोबाइल की बात करो तो भाई आपको ओप्पो F21 Pro लेना चाहिए, बहुत ही गजब का है। भले ही 1000 ज़्यादा है बट मोबाइल का सारे के सारे फीचर्स वगैरह बहुत बढ़िया मिलेंगे।